नमस्ते, जय श्री कृष्ण बंधुओं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आपके बहुत सारे मत मतांतरों में, भ्रमों में हम लोग बहुत प्रयत्न करके आपको उन मतों से, भ्रमों से दूर करने का प्रयत्न करते हैं। आज हमारे YouTube चैनल पर बहुत अच्छा प्रश्न आया है और प्रश्न ये है कि भगवान श्री महादेव, भगवान शंकर के ऊपर क्या तुलसी पत्र चढ़ना चाहिए या चढ़ता है। तो हमने भी बहुत बार ये प्रश्न लोगों से सुना, तो हमने बहुत अध्ययन करते हुए देखा कि भगवान सालिग्राम जी का विवाह जब होता है, तुलसी विवाह जब होता है, तो वहां भगवान शंकर को तुलसी पत्र की बात जो कही गई है वहां पर वो कथाओं में दिखाई पड़ती है और वहां पे ऐसी बात आई है। बहुत सारे कथाओं में ऐसी चर्चाएं नहीं है। भगवान शंकर का जो पत्र है वो बिल्व है, धतूरा है। तुलसी पत्र के लिए भगवान श्री नारायण, भगवान कृष्ण ही, भगवान राम ही प्रसिद्ध है। पर भगवान शंकर का ये जो उत्सव है, ये उत्सव जो है जब होता है, तो सालिग्राम तुलसी विवाह जब होता है तो उस समय भगवान शंकर का रोल है उसमें। और वहाँ भगवान शंकर जो है तुलसी पत्र का भोग करते हैं। तो हम ऐसी मान्यता रख सकते हैं कि तुलसी पत्र भी भगवान शंकर पर चढ़ सकता है, उसका कोई विरोध नहीं है। क्योंकि तुलसी, एक दृष्टि से हम तुलसी को देखते हैं तो उस समय स्त्री का रूप है, और आज हम अगर तुलसी को देखते हैं तो वो वनस्पति का, औषधि का रूप है। और वनस्पति मतलब ये है क्योंकि तुलसी का तेल भी निकलता है और तुलसी औषधि है। तो इस हेतु से तुलसी का सदुपयोग कोई भी कर सकता है, क्योंकि तुलसी जो है पूर्व से ही वन औषधि के रूप में, देवी के रूप में हम उसे मानते हैं। देवी का तात्पर्य है देने वाली, शक्ति देती है, आरोग्य देती है, तप बल देती है, स्वास्थ्य देती है। इसलिए मेरा निजी जो दृष्टि है वो यह है कि भगवान शंकर पर भी तुलसी दल चढ़ सकता है, पर ज्यादातर लोग तुलसी दल भगवान शंकर पर कभी चढ़ाते नहीं है, क्योंकि परंपराओं की, मान्यताओं की दृष्टि से वो तुलसी दल नहीं चढ़ाते हैं। पर सवाल यह है कि तुलसी दल शंकर पर चढ़ सकता है क्या? तो तुलसी दल शंकर भगवान पर चढ़ सकता है। और ये जो कथा आती है वो कथा भी इसमें थोड़ा स्पर्श करती है, तो इसका समाधान आप इस तरह कर सकते हैं। और जिनको भी ऐसा लगे कि ये अनुचित है तो वो उसको उस तरह भी स्वीकार कर सकते हैं, अनुचित, उसमें जिद करने जैसा कोई विषय नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।